अटेंशन। दोस्तों एक बार फिर से आपका वेलकम एनएससी फिजिक्स क्लास बाय डॉक्टर हामिद सर में। दोस्तों आज रेडियोएक्टिविटी के आज की इस लेक्चर में आप बहुत कुछ इम्पोर्टेंट सवाल इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। जैसे बड़े बड़े जीव जंतु की आयु निकाली जाती है, कैसे निकाली, कार्बन डेटिंग प्रोसेस, इससे मैंने एक वीडियो, एक क्या दो दो वीडियो अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, कोलकाता साइंस सिटी का, उसमें बड़े अच्छे से दिखाया गया है कि किस तरह से पहले जानवर बड़े बड़े काफी विशाल का है, रिवर्स हुआ करते थे, वो सब आज नहीं मिल रहे हैं, आज वो विलुप्त हो गए, पूरा उसमें हिस्ट्री दिखाया गया था। आज हम लोग देखेंगे कैसे एज निकाला जाता है, लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ लॉज ऑफ रेडियोएक्टिविटी के सेकेंड लॉ पे ले जा करते हैं। पहला लॉ उससे पहले वाले वीडियो में, सेकेंड लॉ को अल्फा डीके लॉ भी कहते हैं, अल्फा डीके लॉ, डीके मतलब होता है लॉस, क्षय, नुकसान होना, निकल जाना, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से हमेशा अल्फा बीटा गामा रे निकलते रहते हैं, तो आपको देखना है कि एक अल्फा रे निकलने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक अल्फा रे निकलेगा तो एटॉमिक नंबर में दो की कमी होगी और मास नंबर में चार की कमी होगी, 94 से 92 हो जाएगा, एक अल्फा रे निकल रहा है ये 239 से 235 हो जाएंगे, एक बीटा रे निकले, बीटा डीके, एक बीटा रे निकले तो एटॉमिक नंबर में एक बढ़ जाएगा, मास नंबर में नो चेंज, एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय वन बट देयर विल बी नो एनी चेंज इन मास नंबर। इसके पीछे रीजन क्या है आप लोगों ने खोजा, इतने देर पहले ही सवाल दिया गया है इसी ने भी, आप एनएससी फिजिक्स क्लास में जाकर जाते वहां पे इस तरह ऑप्शन दिया हुआ है आंसर इसका, इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन क्या है, एक तो ये एक सवाल यहाँ होना चाहिए, बीटा इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कैसे निकला, एक अजीब बात है यहाँ पे, जबकि ये रेडियोएक्टिविटी, रेडियोएक्टिविटी से न्यूक्लियर फेनोमेना, तो न्यूक्लियस से बीटा रे कहां से निकल जाता है, एक अजीब बात हो रही है यहाँ पे, जबकि हम जानते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही होते हैं न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, इलेक्ट्रॉन निकल कहां से रहे हैं, और कोई चीज निकल रहा है तो घटना चाहिए, उल्टे हो रहा है, एटॉमिक नंबर एक से बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो जाता है, तो दोस्तों इन केस ऑफ बीटा एमिशन वन न्यूट्रॉन इज स्प्लिट्स इनटू वन प्रोटॉन एंड वन बीटा रे, बीटा रे का चार्ज माइनस वन, मास जीरो, प्रोटॉन का वन वन, अब ये रिएक्शन बैलेंस है, आप इधर देखो वन प्लस वन जीरो, लेफ्ट साइड में जीरो तो राइट में भी जीरो यार टोटल किए, और यहाँ देखिए वन प्लस जीरो इधर जीरो वन, ये बीटा तो आउट हो गया, प्रोटॉन की संख्या एक से बढ़ गई, प्रोटॉन की संख्या एक से बढ़ गई, तो प्रोटॉन को ही संख्या वो एटॉमिक नंबर कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं, इसलिए एटॉमिक नंबर एक से बढ़ गया, और मास में कोई चेंज नहीं, मास तो दोनों का सेम होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, तो नो चेंज इन मास नंबर, बट एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज बाय वन इन केस ऑफ बीटा इमिशन। Now what is gamma decay law? Gamma तो light है, light no unit, no mass, no charge. So there will be no any change in atomic number and mass number. कोई change नहीं होगा, नीचे ऊपर same रह जाएगा। अब है half life period, अर्ध जीवन काल। नाम से पता चल रहा है कि जितने देर में किसी भी चीज का number of atoms या mass आधी हो जाए, उसको हम लोग हाफ लाइफ पीरियड कहेंगे, टी हाफ से डिनोट करेंगे, फॉर्मूला 0.693 बाय लैम्डा होता है, लैम्डा को रेडियोएक्टिव डीके कांस्टेंट कहते हैं, इसका प्रूफ बड़ी आसानी से कर सकते हैं, शुरू के नंबर ऑफ एटम से मान लीजिए एक्स, और टी अगर टी हाफ है तो अकॉर्डिंग टू डिक्रीजन नंबर ऑफ एटम्स विल बी हाफ एक्स एक्स बाई क्यू। अब ये फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ रेडियोएक्टिविटी पिछले लेक्चर में आप जाके देखेंगे, इक्वेशन प्रूफ करके दिखाया गया है, 2.303 log n not by n power lambda t, n not का मान डालें, n का मान डालें, x x cancel करें, 2 को ऊपर ले जाएं, log 2 का value 0.301 बढ़ाएं, इस दोनों को multiply करें 0.693, इधर lambda into t half, 40 half चाहिए, इसको नीचे भेज दें, इस तरह
सूत्र से टी हाफ का फॉर्मूला आ गया। अब एवरेज लाइफ क्या है, ये रेसिप्रोकल होता है रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट का, जो लैम्डा है जिसको रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट कहते हैं उसका जो उल्टा होगा व्युत्क्रम होगा वो कहलाएगा एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ को डीए से डिनोट करेंगे फॉर्मूला 1/9 टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इससे लैम्डा का भी फॉर्मूला 1/dA निकाल सकते हैं, लैम्डा का अगर यूनिट पूछा जाए 1/dA या यहीं से देखिए लैम्डा इधर जाएगा टाइम नीचे जाएगा तो 1/time टाइम है तो 1/second होगा, मतलब सेकेंड इनवर्स होगा लैम्डा रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट, उसका यूनिट क्या होगा सेकेंड इनवर्स यूनिट ऑफ लैम्डा। लैम्डा का यूनिट क्या होता है नोट में इसको याद रखना है, सेकेंड इनवर्स टाइम इनवर्स रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट, रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट क्या होगा उसका सेकेंड इनवर्स डायमेंशन ऑफ लैम्डा इन डी इनवर्स रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट आप लैम्डा से नोट करते हैं यूनिट होगा सेकेंड इनवर्स नोट बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। अब टी हाफ और टीए में क्या रिलेशन है, टी हाफ का फॉर्मूला देखिए यहां पे लिखा हुआ 0.693/λ इसको 1/λ लिख सकते हो, 1/λ को टीए लिख सकते हैं, ये रिलेशन आ गया। कभी कभी दो नंबर में रहता है एस्टैब्लिश रिलेशन, ठीक है दो लाइन में दो नंबर, टी हाफ का फॉर्मूला लिखा 0.693/λ 1/λ को अलग कीजिए 1/λ को टीए लिख दीजिए आगे दोनों के बीच रिलेशन टी हाफ इक्वल 0.693/TA दोनों का रेशियो पूछा जाए तो नीचे ले जाइए 0.693 अगर रेशियो उल्टा कर दे तो आप भी उल्टा कर दीजिएगा टी एवरेज ऊपर हो और हाफ नीचे हो आप इसको भी पलट दीजिएगा। अब आइए कार्बन 14 प्रोसेस या कार्बन डेटिंग प्रोसेस, दिस इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एज ऑफ फॉसिल जीवाश्म की आयु निकालने के मेथड को एक कार्बन 14 प्रोसेस कहते हैं, कार्बन 14 प्रोसेस कहते हैं। जो भी जीव जंतु मर जाते हैं उसमें कार्बन 14 कितना बचा हुआ है वो अमाउंट ज्ञात कीजिए और फिर ये फॉर्मूला लगाइए 2.303 log n naught by n लैम्डा टी। लैम्डा निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला टी हाफ का मान याद रखना पड़ेगा 5800 ईयर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है टी हाफ का मान हुआ मतलब कार्बन 14 का हाफ लाइफ पीरियड 5800 ईयर्स अप्रॉक्स होते हैं, इतने देर में कार्बन 14 आधी हो जाती है। अगर आपके पास 10 ग्राम है तो 5800 साल के बाद जस्ट आधी हो जाएगी 5 ग्राम हो जाएगी। तो उससे हम लोग चूंकि इस इक्वेशन में एन नॉट एन ये पता होगा लैम्डा नहीं पता होगा, लैम्डा के लिए आप लैम्डा का फॉर्मूला यहां से निकाल लेंगे 0.693/Pr इस पे मैं न्यूमेरिकल दिखाया आपको, चैप्टर वाला फिनिश हो गया है अब इस पर देखें आप, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।